रुद्रजाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर डाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार, दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधाने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में, ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव, आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरु जी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका, निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ में। मैं हूँ आपके साथ रेशु त्यागी और हर रोज की तरह आज भी आपकी परेशानी जितनी भी हैं आपकी जिंदगी में उनको कम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं आशु भाई गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं। गुरु जी बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। तो दर्शकों आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद खास है क्योंकि हर दिन गुरुजी आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिनसे आपकी परेशानियां तो दूर होती ही हैं, इसके साथ ही आपको जिंदगी में एक नया लक्ष्य भी मिलता है। वो लक्ष्य जिसको प्राप्त करके आप न केवल अपना नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, इसके साथ ही जब आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सब पर आपको नाज होगा। कुछ ऐसी ही बात हर रोज गुरुजी आपको बताते हैं, आपका मार्गदर्शन हर रोज करते हैं। जिस तरह से कल गुरुजी ने बताया था कि सोना पहनने से आपकी जिंदगी में किस तरह से जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सकती हैं, आज बहुत अच्छा टॉपिक है रत्नों को लेकर हम गुरुजी से बात करेंगे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि रत्न होते कितने हैं और रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन चल रहा था उस दौरान दानव और दैत्य दोनों में जब युद्ध छिड़ा हुआ था अमृत को लेकर, उसी दौरान छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई और यही बूंदें रत्न बन गई। वैसे तो हिंदू मान्यताओं की अगर बात की जाए तो 84 रत्न होते हैं, लेकिन 9 रत्न खास महत्व रखते हैं, चाहे राजा हो, चाहे भगवान, चाहे हो इंसान, हर किसी को रत्नों की बेहद जरूरत होती है। और रत्न कहाँ से किस तरह से उत्पत्ति हुई ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे उत्पत्ति हुई, लेकिन रत्नों को पहनने से आपकी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी वो आज हम गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, दोस्तों रत्न एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। रत्नों के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा रत्न कितने का है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि रत्न इतने महंगे होते हैं जिसकी कीमत लगाना हर किसी के बस की नहीं है। कहने को तो ये कहा गया है कि हीरे की परख जौहरी जाने, क्या ये बात सत्य नहीं है? लेकिन आज हम सबसे पहले एक छोटे से रत्न की चर्चा करते हैं जिसे सभी जानते हैं। उस रत्न का नाम है मोती। दोस्तों मोती के मैं आज बहुत सारे तरीके बताऊंगा और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद और दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडा मोती है। ठंडा
ग्रहों के हिसाब से, ये नहीं कि बर्फ़ की डली है कि उसे आप छू छू के देखें बोले गुरुजी ने बोला था ठंडा है तो ठंडा नहीं है। मोती किसी भी आकार का हो सकता है, लंबा आड़ा टेढ़ा तिगुना टूटा खंडित कैसा भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बहुत महीन से महीन और बहुत बड़े से बड़ा। सबसे बड़ी बात है कि मोती आपके जीवन में चंद्रमा के लिए काम में आता है। चंद्रमा मोती का ये कहा जाए कि उसी के लिए पहचान जाता है और मोती आपके जीवन में बहुत सारे फायदे करता है। अब कोई ये कहने लगे कि मोती क्या फायदे करेगा, मोती के हाथ हैं पैर हैं नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मोती जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू कही गई है, जिसे सबसे ज़्यादा अच्छा कहा गया है, वो बसरे का कहा गया है। बसरा अब नहीं है दोस्तों, बसरा सूख गया। बसरा एक तालाब का होता था और बसरे में दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा मोती होता था। कहा जाता है मोती समुंदर में होता है, सीप के अंदर होता है, सीप में कीड़ा हो उसके मुंह में आसमान से गिरी हुई पानी की बूंद गिर जाए बरसात की और वो कीड़ा उसे खा ले और फिर वो मोती प्राप्त होता है, पैदा होता है। मोती में अगर आप उसे रोशनी में रखें तो उसमें हल्का इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। मोती की सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में वैसे तो बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन जो जुबान पर चढ़े वो सबसे बढ़िया रत्न है। उसमें ये कहा जाता है हीरा मोती, सही बात है दोस्तों। हीरा और मोती ये ऐसे रत्न हैं मोती कि आप इसे आवश्यकता में पहन सकते हैं और नहीं आवश्यकता में भी पहन सकते हैं, और आवश्यकता अगर आपको किसी भी है तो खूबसूरती के लिए मोती की माला पहनना लोगों का शौक है। सबसे पहले ये जान लो दोस्तों कि अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं चल रहा है, आपको सर्दी ज़्यादा लगती है या आपकी बॉडी के सेंसर ख़राब हैं, ठंड में ठंड ज़्यादा गर्मी में गर्मी ज़्यादा घबराहट ज़्यादा, बस फिर समझ लो कि आपको मोती की आवश्यकता है। मोती आपको वजन के आधार से पहनना चाहिए। मोती कैल्शियम होता है, हड्डी की तरह होता है। बहुत से लोग नकली मोती का कारोबार बिगड़ते हैं, कैल्शियम से मोती को बनाते हैं और उसका कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए आपको सर्टिफाइड रत्न ही धारण करने चाहिए, अन्यथा बेकार का रत्न आपकी ज़िंदगी में खुशियों की जगह गम को रख देगा। अब ये कहा जाता है कि आपके जीवन में वैल्यू किस चीज़ की है, मैं तो यही कहूँगा मोती की है। कहा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा तूने काम किया है, कौन से मोती दान किए हैं, कितना बड़ा आदमी है। सच बात है, अगर किसी शुभ मुहूर्त में शुभ लगन में आप मोती दान करते हैं, पानी में जहाँ से मोती आता है वहीं पर अगर आप उसको दान करते हैं बहते हुए पानी में, और वो मोती किसी को प्राप्त होता है उसको पहनता है, पहनेगा वो मोती पुण्य आपको लगेगा। भाई वाह कमाल की बात है। मोती की बात कहें तो एक बात तो सबसे बड़ी है, जिस व्यक्ति के पास घर में मोती है, शहद के अंदर अगर वो व्यक्ति मोती को रखता है एक चांदी के डिबिया में, तो कहा जाता है कि उसके घर में हमेशा बरकत रहती है। बरकत फिर उसके घर से कभी जाती नहीं है। और अगर मोती काफ़ी सारे मोती चावल के साथ और किसी भी जगह के प्रसाद के साथ फूल वगैरह के साथ रख के उसे सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने घर के तिजोरी में रखें, तब भी ये कहा जाता है कि आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, सुख शांति रहेगी, सुखों का अच्छा तालमेल रहेगा। मोती में एक बात और है दोस्तों,
अगर मोती गले में पहना जाए तो बीमारी में काम आता है। क्या बीमारी हो सकती है? चमड़ी का रोग, चेहरे पर निशान पड़ जाना, माथे पे ज़्यादा सिलवट आ जाना, नज़ला या जुकाम हो जाना, गले के रोग हो जाना, चेस्ट में बार बार इन्फेक्शन होना, सांस के साथ आवाज़ आना, रात के समय में खर्राटे लेना, बाल जल्दी उम्र से पहले सफ़ेद हो जाना, सिर में खुश्की या फ्यास का हो जाना, सिर में लीक या झोंक का हो जाना, आपकी गर्दन में सर्वाइकल का हो जाना, हड्डियों में दर्द होना, लकोरिया की बीमारी होना, नाखून की बीमारी होना और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें मोती आपके लिए अत्यधिक सूटेबल हैं। अगर आप मोती पहनते हैं तो आपको कोई भी दवा लगनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको मेडिसिन सूट करने लगेगी, नहीं तो आप इलाज कराते रहिए, करा करा के थक जाएंगे और बाद में कहेंगे कि यार मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। एक बात तो हो रहा है दोस्तों, जीवन में मोती एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पे डाले तो उछलता है, बाकी कोई रत्न जो है खंडित हो सकता है, ज़्यादा जंप नहीं लेता है, जबकि वो अंदर से सॉलिड भी होता है, लेकिन फिर भी उसमें जंप लेने की ताकत होती है। अच्छा मोती अगर आप खींच दें चांदबूर के साथ तो उसकी चमक दोगुनी हो जाती है, उसमें चमक की शाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके जीवन में तो मोती की एक कहानी और है। कहा जाता है किसी को मोती दान करने से दुख और दर्द मिटते हैं। अगर आपको बहुत तकलीफें हैं, मानसिक रोग से परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या कोई काम है तो बार बार ख़राब होता है, आप किसी प्रियजन को जिसे आप प्यार करते हैं, चाहे मम्मी है, चाहे पापा हैं, चाहे भैया हैं, चाहे तो आपकी प्रेमिका है, आप उन्हें मोती की कोई चीज़, मोती का सेट, मोती के कान के या कुछ भी पहनाएं और फिर आप देखेंगे कि आपका सब कुछ परमात्मा ने सुन लिया है। एक बात और है दोस्तों, मोती एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितना बोला जाए कम है। कहने को तो ये भी कहते हैं अगर मोती को मंगल की भस्म के साथ या शुक्र की भस्म के साथ घर में रख जाए तो बच्चे ज़रूर विद्वान होते हैं, उनके बच्चे कामयाब ज़रूर होते हैं। कहने को तो ये भी कहते हैं बरसात के पानी के साथ और चमेली के इत्र के साथ मोती को रखने से घर में हमेशा कपड़ों का वाहन का सुख रहता है, इसमें किसी भी प्रकार के सुख को किसी की नज़र नहीं लगती है। आप जानते हैं दोस्तों मोती में एक विशेष बात और है, जब आप मोती में छेद करा के उसे गले में धारण करते हैं तो मोती की वैल्यू कम हो जाती है। बोली मोती वैसा मोती नहीं रहता जो मार्केट को अच्छा समझे, मार्केट में उसकी डिमांड रहे। मोती की एक बात और बताऊंगा दोस्तों, कहा गया है कि जिनके पास मोती होता है उनके घर में मानसिक सुख नहीं होता है। पहले तो वो हमेशा उस चीज़ के लिए तरसते हैं, परेशान होते हैं, मिल जाने पर उस चीज़ का विरोध करते हैं, ये चीज़ बेकार है, मुझे ऐसे नहीं लेनी, मुझे वहाँ ये नहीं जाना, मुझे ऐसा नहीं करना और जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। एक बात तो और है, मोती आपके जीवन में इतनी अधिक ज़रूरत है कि घर में किसी न किसी के राशि में मोती का होना आवश्यक होता है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश में जन्मपत्री में लग्नेश में चंद्रमा बैठा है तो किसी से बिना कुछ पूछे आप मोती धारण कीजिए और जितना अच्छे से अच्छा मिले, जितना बड़े से बड़ा मिले उतना मोती अपने हाथ की अनामिक उंगली में धारण करें, चांदी में जड़वा कर पहन सकते हैं। आप जानते हैं अगर ऐसी स्थिति में मोती बैठा हो तो घर में सुख और धन धान्य बढ़ता है।
कहते हैं जिनके घर में सुख बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं जा इमारतें बनते हैं, आपकी तरक्की होती है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी तरक्की हो रही है? सबसे पहले पड़ोसियों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, जलन होने लगेगी, गुस्सा करने लगेंगे कि गाड़ी उधर कर ले, इधर कर ले, घर में से कूड़ा आता है, घर के बाहर गीला कर देते हो फलाना। आप समझ लो कि आपकी तरक्की हो रही है और आपके पड़ोसी आपसे जल रहे हैं। लेकिन इस जलन का भी एक ऐसा इलाज है, आप एक ऐसा लॉकेट बनवाएं जिसमें 5 मोती लगे हों, अपने गले में पहने, आप देखेंगे आपके पड़ोसी शांत हो गए हैं। आप देखेंगे कि आप में लड़ाई जैसी कोई बात नहीं रही, शांति के स्वभाव के मस्त रहने वाले, अच्छे सोचने वाले व्यक्ति हैं। एक बात और बताऊंगा दोस्तों, अगर आप मोती को काले रंग के डिब्बिया में रखते हैं और उसमें 2 लौंग रखते हैं और जिस मकसद से रखते हैं वो मकसद आपका बहुत जल्दी पूरा होने का योग बनता है। मकसद तभी पूरा होता है दोस्तों जब आप मकसद के लिए जीना चाहते हैं। यदि आप सोचेंगे नहीं कि मुझे ये चीज़ बननी है, ये चीज़ करना है, तब मकसद क्या कर लेगा, क्या होगा उस बात का जिसे आप सब कहते हैं कि यार ये बात तो मैंने सोची नहीं, मेरा तो ये काम हुआ नहीं। आज के समस्त संसार में 2 बात बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अपने बच्चे के गले में मोती डालते हैं, वैसे उल्टी बात है दोस्तों, कहते हैं ब्लैक स्टार जो काले रंग का पत्थर होता है नज़र को खींचता है, लेकिन यहाँ पर उल्टी बात है कि अगर आप मोती अपने बच्चे के गले में पहनाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है, निरोग काया है और उसके मन में छल है। कहते हैं जब किसी के मन में छल होता है तो वो हर चीज़ को टटोलता है, हर बात को सुनता है। आप मेरे से बुरा चाहते हैं, आप मेरे घर में देखिए, जब कानाफूसी होने लगे तो ये समझ लो कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब कानाफूसी आपके कान में इधर उधर की बातें होती हैं, वो बातें सदा ही नुकसान से भरी होती हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि नुकसान जब किसी के साथ होने लगते हैं, बार बार होने लगते हैं, तो व्यक्ति अपने आप में अपने मानसिक तौर में बहुत परेशान होते हैं, उनका दिल और दिमाग बहुत टेंशन में होता है। वो तो हमेशा ये सोचते हैं कि अब करूं तो क्या करूं, अब जाऊं तो कहां जाऊं, अब कैसे जीऊं और क्या करूं। एक बात है दोस्तों, अगर मोती को चांदी की चेन में, चांदी में पिरवा के आप उसे 66 दानों से ऊपर माला पहनते हैं और अपने घर में नंगे पांव रहते हैं तो आपका जीवन हमेशा ठीक रहेगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी आए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ वास्तव में हमने इसकी रक्षा की है। रक्षा तो की है दोस्तों, क्योंकि जीवन में क्या है, कामयाब व्यक्ति ही अपने जीवन की सबसे बड़ी बात है। जो लोग कामयाब नहीं हैं वो आज तक भी ज़िंदगी को ढूँढ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कहाँ है, कैसी है, क्या करूं, कैसे करूं, बार बार सवाल करते हैं। ज़िंदगी में यही है, आप कुछ करने की इच्छा रखो। मैंने कहा था कॉन्फिडेंस, जब करने की इच्छा रखोगे तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके ऊपर सवार हो जाएगा, वो भी आपके बारे में सोचेगा कि ये क्या कह रही है, आपका तो जीवन बहुत सरल है, आपके जीवन में ज़्यादा बेकार के झमेले नहीं हैं। और कहते हैं जो लोग झमेला समझते हैं, रतन को कुछ भी गलत समझते हैं, वो कृपया उपाय ना करें, क्योंकि उपाय करना जो है उनके लिए फिर बेकार जैसी बात है। क्योंकि कहा जाता है जब जब किसी में श्रद्धा की भावना रही है तब तब उसने सभी चीज़ों का फल पाया है। और सभी चीज़ों के फल में एक बात मैं आपको और भी बता दूँ कि आपका जीवन कितना भी खराब हो पर जीवन ऐसा ख़राब नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जाए। जीवन ख़राब ऐसा है जिसके बारे में हम सोचते तो सब हैं,
लेकिन हमारी सोच हमारे जीवन के उस पॉइंट तक नहीं पहुँचते जिस पॉइंट को हम हमेशा ये कहते रहे कि देखो अब हमारे जीवन में भी कुछ अच्छी बातें आने वाली हैं, अब हमारे जीवन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और हम महसूस करते हैं कि सच में हमारे जीवन में वो सब चीज़ें बराबर तौर पर आती रहती हैं जिन चीज़ों के हमारे जीवन में चाह और इच्छा होती है। जीवन में तो एक बात और है कि मोती अगर कलाई पर पहना जाए, ब्रेसलेट की जगह पर पहना जाए, तो कहा जाता है कि मोती मानसिक सुख दिखाता है और ऐसे व्यक्ति के दांतों की रक्षा करता है। कहते हैं जिन महिलाओं को जोड़ों की प्रॉब्लम होती है वो हल्दी की माला और मोती साथ साथ पहने तो कहा जाता है कि उनको बाय जैसे रोग जड़ से समाप्त होने का योग बन जाता है, भले ही वो दवाई ले या ना ले, लेकिन दवाई लेना बहुत ज़रूरी होता है। दवा लेने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने दवा खाई है, वो फ़ायदा करे ना करे तो बात का मैटर है, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं दवा खाते खाते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो दवा लेने बड़े शौक से जाते हैं पर उठा के रख देते हैं, उसे खाने की जहमत नहीं करते हैं। आपके जीवन में तो एक मोती की बात और है। अगर आजकल देखा होगा तो फैशन के इस दौर में महिलाओं के दुपट्टे पे भी मोती लगे होते हैं। आपने कभी सोचा कि वो क्यों लगे होते हैं? चाहे वो मोती कैसा भी है, अगर वो मोती आर्टिफिशियल है तो इसका मतलब है कि मैं आपके जीवन में अच्छाई को आप तक नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि अच्छाइयाँ जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहती हैं और आपके साथ रहकर हमेशा तरक्की की बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी कहता है कि अरे तुम तो एक दिन में थक गए, मैं तो 50 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तो ऐसे हुआ नहीं, फलाने के जीवन में ऐसे हो गया। तो ये सब बातें जो हैं बेकार की बातें हैं, और बेकार की बातें जो हैं वो हमेशा किसी न किसी बेकारी को जन्म देती हैं। आप दिल और दिमाग से सुखी रहें, आपके मन में आस्था बनी रहे, आपका दिमाग हमेशा इस तरह काम करे जैसे लोग कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब तक आपके जीवन में किसी चीज़ का आनंद नहीं आएगा, आप जीवन के प्रति यूं ही उदास होते हुए, जीवन के प्रति यूं ही परेशान होते हुए, और जीवन के यूं ही आप जीवन के ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं, मेरी ज़िंदगी में इन्होंने पांव रखवाया है, मेरी ज़िंदगी में इन्होंने मेरी ज़िंदगी के हिस्से को कुछ करवाया है। वो क्या है? वो मोती है। मोती दोस्तों बहुत कलर के होते हैं, पिंक मोती, काला मोती, लाल मोती, नीला मोती, हरा मोती, सफ़ेद मोती, बहुत तरह के मोती होते हैं, और हर तरह का मोती आपके जीवन में डिफरेंट काम करता है। इस तरह से कि कई बार तो आप ये समझ नहीं पाते हैं कि मोती आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। जब तक मोती आपके जीवन में है, आपके जीवन की तरक्कियां बनाता चला जाता है। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम भी अपने गुरुजी के सामने पतले हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, छोटा था बड़ा हो गया हूँ, आपको कैसा लगता है? सच बात है ये, लेकिन आज के डेट में कामयाबी का जो हाशिया है वो रक्षा के हाशिए से बड़ा हो गया है। और कहते हैं जब इस तरह बड़ा हो जाए तो उस आदमी ने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए वो घबराए, लेकिन मज़े की बात है कि मेहनत भी हर जगह पर हर किसी को रास नहीं है। जब आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं तब भी लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, जब आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं तब भी लोग डर जाते हैं कि खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है। आप ज़िंदगी को खुशियों के तौर तरीके में लाओ, फिर आप देखो कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाग्य नहीं है।
आपका तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य है, और आपके भाग्य में वो चीज़ें हमेशा से आपको प्राप्त रहेंगे जिन चीज़ों के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं कि चलो अब नंबर आएगा। कहने की बात नहीं है, हम लोग बोधी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपके जीवन में जो मोती है वो मोती ही काम आना है, और मोती आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मोती तो लोग कुर्ते के बटन में भी लगाते हैं, मोती तो लोग बटन की जगह भी लगाते हैं, मोती कान में पहना जाता है, बालों में पहना जाता है, चुटिया में पहना जाता है, गले के हार में पहना जाता है, कपड़ों दामन में पहना जाता है। और मोती तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में, अगर आप मोती अपने घर में शुद्ध मन भाव से किसी सफ़ेद कपड़े में रख के और उसके बीच में गंगा जल का छींटा मार के अपने घर में रखते हैं, तो आपका मोती आपको बुरे स्वप्न से दूर रखता है। मोती तो दोस्तों इतने फ़ायदे की चीज़ है, मोती तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मोती आपके जीवन में कैसे है, जैसे परमात्मा का वरदान। अभी आपने सुना होगा कि मोती अमृत के जो छींटे हैं उनमें से मेरे को लगता है कि सबसे पहली छींट या सबसे खूबसूरत छींट वो मोती वाली होगी, क्योंकि नवरत्नों में रत्नों का हमेशा नाम रहा है। नवरत्न नवग्रहों को शमन करने के लिए हैं, और आपके शरीर के अंदर जाने के मार्ग भी नौ हैं। कभी आपने गिने हैं, नौ मार्ग हैं, नौ रत्न हैं जो असली में हैं। और सबसे बड़ी बात है जो नौ ग्रह हैं वो भी अपने आप में बहुत पावर रखते हैं। आपको हर चीज़ को नौ के अंक से जोड़ा गया है। नौ हमारी माँ हैं, और माँ जो हैं वो भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ हैं, एक ऐसी शक्ति हैं जहाँ से हर चीज़ आपको प्राप्त होती है, जहाँ से हर चीज़ हम आपके लिए कहते हैं कि देखो ये चीज़ें सब आपके लिए हैं। तो मोती आप ज़रूर पहनें दोस्तों, मोती पहनना आपके लिए शुभ है, लाभदायक है। मोती घर में रखना बेहद शुभ है, और सबसे बड़ी बात है कि मोती दान करना भी किसी से कम नहीं है। मोती का दान महादान कहते हैं। अगर आप आपका कोई काम बनता नहीं है, आपके ऊपर कोई ना कोई ज़्यादा कर्जा बन जाता है, आप किसी बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, तो आप मोती का दान करें और फिर देखें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बिल्कुल सही यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि अगर आप दुविधा में फंस जाते हैं तो सब कुछ, अगर आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि अच्छा हो तो मोती का दान जो है वो आप करें। लेकिन दुविधा ये भी होती है कि कई बार आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही मोती दे। तो सही मोती जो है उसकी पहचान भी यहाँ पर गुरु जी ने बता दी है। मोती को आप अंधेरे में ले जाएँ, और जब मोती को आप अंधेरे में ले जाएँगे तो उसमें आपको इंद्रधनुष बना हुआ नज़र आएगा। इंद्रधनुष बना हुआ नज़र आएगा तो वो ही आपका सच्चा मोती होगा। और गुरु जी आप इतनी सारी ज्ञान की बातें आपने दी, दर्शकों को बताई हैं, इसके साथ ही जो दर्शक हैं उनकी समस्या का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में दर्द की कमी नहीं है। जब दर्द की कमी दुनिया में नहीं है तो दवा क्यों नहीं हो? और हमारे पास है हर दर्द की दवा, वो भी ऐसी जो आप कहीं सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्या हो सकता है। आज हम आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाते हैं। ये ऐसी धूप है जिसके द्वारा आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आशु भाई गुरु जी द्वारा जन कल्याण हेतु धूप में कई चमत्कारी और अति विशिष्ट सामग्री समाहित हैं, जो दुकान, घर, मंदिर, ऑफिस, फैक्ट्री या गोदाम में इस्तेमाल करने पर आपके भाग्य को सुधार सकते हैं। आशु भाई गुरु जी द्वारा जन कल्याण हेतु धूप घर बैठे मंगवाने के लिए संपर्क करें 011-46-41-41-41 पर।